गुड इवनिंग मिस गुलरेज, मैं परिहान हूँ। गुड इवनिंग मिसेस परिहान। जी वो बच्चे घर वापस नहीं आए और उनके फोन भी बंद हैं, इसलिए हम परेशान थे तभी आपको कॉल की। हाँ वो लोग तो यॉट पे गए हुए ना। वो लोग यॉट पे गए हैं? यॉट पर? हाँ असल में वहाँ शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे, मैं किसी तरह से मालूम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस गुलरेज, कुछ पता चले तो आप इत्तला कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग। मैं गुलरेज अवजी बात कर रही हूँ, हमारी कैप्टन से बात नहीं हो पा रही है तो क्या आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं? अरे बहुत शुक्रिया आपका। यॉट पर? यॉट कौन है हम? मेरे बच्चे यॉट पर कैसे जा सकते हैं, किसी ने सोचा है कभी? अरे ये नए चोंचले कहाँ से आ गए? यार गुस्सा ना करो, पुरसुकून हो जाओ। क्यों यार जलाल, अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे, उन्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने दो और इस तरह तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते हो। कहीं मेरे साथ वक्त गुजार ही ना लें साहब, एक मुसीबत से निकलते नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी होती है। परिहान ये क्या है, इतने तेज से जायके वाला जूस? चले भाई अब बच्चों की बात छोड़ें। क्या आपको लगता है कि जलाल मेरे लिए वक्त निकालेगा? और वक्त निकाल भी ले तो मेरे लिए क्या करेगा, पूछें जरा इससे। आखिरी बार मुझे कब तोहफा दिया था? नहीं मतलब मैं ज्यादा नहीं कहती, कभी मेरे लिए भूले ले आए, कम से कम कोई छोटा मोटा तोहफा ही लाकर मुझे दे दे। ये लो ऐसे नहीं कहो यार, याद करो मैंने हर एनिवर्सरी पर बर्थडे पर फोन नहीं दिए तुम्हें। हाँ तो इन दिनों में कौन नहीं लाता जलाल साहब? ना कि दिए ही नहीं, इसके अलावा क्या मेरा कोई वजूद नहीं? खैर मैं भी किससे कह रही, जो दिल में है बता दूं तो ना जाने कितनी रातें गुजर जाएं। सामने वाला शख्स जब बेहस हो तो कैसा गिला, लेकिन मैं थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। अरे परिहान यक, आप इसे कैसे पी लेते हैं? मैं सीरियस हूँ, बड़ा गंदा जायका है इसका, पता नहीं कैसे पीते यार। परिहान गुलसुम की कॉल आ रही है। ये कौन है परियान? गुलरेज कह रही है वो शायद। हाँ वही वही। जी हाँ कहिए मिस गुलरेज। हाँ हाँ मिस गुलरेज, अच्छा मिस गुलरेज बहुत शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग, आई लव यू, आई लव यू सो मच स्वीटी, बहुत अच्छी है ये। क्या कहा तुमने परियान? फोन बंद कर दिया। अरे कुछ नहीं, बोट खराब हो गई है, मरम्मत हो जाए तो वापस आ जाएंगे। ऐसा हो जाता है, हर रिश्ते के भी उतार चढ़ाव होते हैं, हम ठीक कर सकते हैं लेकिन बड़ी टूट फूट का क्या होगा? क्या मैं बड़बड़ा रही हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। बोल बोल कर सोच रही हूँ ना। नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बोल। ऐसे है, ऐसे ही है, ऐसे ही। यार सुहेला, टाइटैनिक वाला सीन भी कर लिया, क्या आप वापस चलें? यार मिट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम यहीं क्यों खड़े हैं, वापस क्यों नहीं जा रहे? हाँ जो हुआ है उसके बारे में शायद हमारे कैप्टन आपको सही से बताएंगे, बुलाता हूँ मैं उन्हें। कैप्टन रजा इधर आए जरा एक मिनट। हाँ वो आ रहा है जी, कहिए आतिश सर। क्या सिचुएशन है, जो खराबी हुई थी ठीक हो गई क्या? खराबी? कैसी खराबी? यार खराबी से तुम्हारा क्या मतलब, क्या हम यहीं रहेंगे, नहीं जा सकते? क्या हो गया, एक मिनट रुकिए ना जी, बताइए कैप्टन। एक छोटा सा मसला है, आप इन सब लोगों से कह दें कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इस मसले को देख रहा हूँ, थोड़ी देर में हल हो जाएगा, आप लोग एंजॉय कीजिए। क्या खराबी क्या है, क्या ये जहाज डूबने वाला है? बच्चे और औरतें पहले कूदे, मैं भी कूदता हूँ। क्या कर रहे हो, छोटी सी खराबी है, अभी ठीक हो जाएगी। अच्छा तो फिर किसी को तो यहाँ मदद के लिए बुलाए ना, इस बोट में क्या कोई रेडियो वीडियो नहीं है? हाँ बताए। दरअसल मसला इलेक्ट्रिकल ही है और इसी वजह से कोई रेडियो काम नहीं कर रहा, हम तो यहाँ पर फंस गए। अरे परेशानी की क्या बात है इसमें, आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो, हम रुक भी सकते हैं यहाँ, खौती नहीं कैबिन में हो जाएंगी और हम मर्दे कैबिन में, जगह काफी है यहाँ सोने के लिए, फिक्र नहीं करें। अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे पानी में मत फेंकना, समझ गई ना? मैं फिर पानी कभी नहीं देखना चाहता। अरे मिट्टू मेरी जान, मरने मारने की बात क्यों कर रहे हो? अरे भाई आप बिस्मिल्लाह करें, बाकी हम संभाल। चुप रहो, लड़ो मत, मुझे तो बस यही फिक्र है कि बाबा को हम क्या बताएंगे। अब क्या तैर के वापस चले जाएं सुहेला, हम क्या कर नहीं सकते? आप हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहीं सोना पड़ेगा। वो तो ठीक है आयशा, ऐसे में नींद कहाँ से आएगी? मुझे भी नींद नहीं आ रही,
ये तो अच्छा है, हम लोग बैठ कर यहाँ बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, मुझे बिस्तर में डालो, फिर जो चाहे करते रहना। ठीक है शोएब भाई, चले मैं आपको बिस्तर दिखा देता हूँ, आप जाके आराम करें, पहले बहुत थक चुके। मैं चलूँ शोबी? जरूरत नहीं, मैं ले जाता हूँ। आजा। सू कहना मैं फौरन आ जाऊंगी। लगता नहीं इतनी भी आवाज निकलेगी। यहाँ लेट जाइए शोएब भाई। अरे शोएब भाई, पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि आपको सीसिकनेस होती है? कोशिश की थी लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, सॉरी। और जब मैंने सुहेला को इतना खुश देखा तो इनकार नहीं कर सका, वो मेरी दुनिया है, मेरे दिल की मलका है वो। अब बहुत दुख हो रहा है मुझे, मैंने इतना इसरार किया यहाँ पर आने के लिए, अब देखना आपकी क्या हालत हो गई है भाई। इससे भी बुरी हालत हो गई थी जब सुहेला को देखा। सी सिकनेस की परवाह नहीं है, थोड़ा पेट गड़बड़ होता है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन मोहब्बत में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिल की गड़बड़ ठीक नहीं होती। आई थिंक आपको आराम करना चाहिए। नहीं, नींद में मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। शोएब भाई, बुरे ख्यालात से क्या मुराद है, मुझे जरा खुल के बताएंगे? अजीब और गरीब से ख्वाब आते हैं, जैसे कि तुम और आयशा इनाम जीत रहे हो शायद। क्या मतलब इनाम जीत रहे हैं, समझाने में शोएब भाई। आपको बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम दोनों के दरमियान रहेगी, बताइए ना क्या है। नहीं रहने तो छोड़ो इस बात को, सुनो हवेली में अजीब और गरीब चीजें हैं, शायद तुम्हें बच के रहना चाहिए, वहां बदरुओं का साया लगता है, वो तुम्हें जहनुम के वीआईपी रूम में डाल देंगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा समझ गया, जानते हैं आपने ख्वाब का जिक्र किया तो तजस्सुस बढ़ गया, यानी किस हालत में आपने देखा मुझे ख्वाब में, क्या मुझे मरते हुए देखा आपने, क्या कर रहा था बताइए ना। नहीं वो तो काश के तुम मर जाते, काश कोई हादसा हो जाता तुम्हारे साथ, काश कोई कत्ल करके तुम्हारे 8-10 टुकड़े कर देता और वो टुकड़े हर तरफ बिखेर देता और मैं आकर उन्हें ढूंढता और वो मुझे ना मिलते, काश के मैं डर के मारे उड़ जाता, वो ना देखता जो देखा। सीरियसली शोएब भाई, मुझे लगता है लाशौरी तौर पर आप अभी तक वही हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपने किस किस्म का ख्वाब देखा मेरे बारे में, लेकिन सुना है कि ख्वाबों की ताबीर हमेशा उल्टी होती है शोएब भाई, सही कहा ना मैंने? हाँ इंशाल्लाह ऐसे ही हो आतिश, इंशाल्लाह, क्योंकि अगर ये ख्वाब सच्चा निकला तो हर चीज बिल्कुल पलट जाएगी। चलो गुड नाइट। इतनी जल्दी कौन सोता है? तो ये कुछ कर सकता है मेरे अल्लाह। सितारे कितने खूबसूरत है ना? हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है। आपा खैरियत है? खैर की उम्मीद ही रखते हैं हम तो आयशा, इसलिए सब ठीक ही होगा इंशाल्लाह। चलो भाई, शोएब भाई तो सो गए, अब हम क्या करेंगे? मैं भी सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। इतनी जल्दी क्यों सो रही हो? इस बात से तुम्हें क्या मसला है लंगूर? मसला तो कोई नहीं, मतलब पहले दुला भाई सो गए, अब यास्मीन सोएगी, क्या तुम में से किसी को डर नहीं लगता? किस बात से डर? शार्क मछली का डर? तुम किस शार्क की बात कर रहे हो मेरे भाई, कोई शार्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? क्या ये समंदर नहीं, हमने जॉज मूवी देखी है, वो आती हैं और कश्ती को टक्कर मारती हैं और फिर जब लोग पानी में गिरते हैं तो वो उन्हें खा जाती हैं। बस भी करें भाई, क्या समंदर में शार्क होगी अब? यार हो सकता है कि ऑक्टोपस हो, कश्ती को लपेट ले। सुनो वेल भी हो सकती है, अगर वेल कश्ती में आ गई तो सबको खा जाएगी, यूं एक ही निवाले में अगर किसी को भी निकल लिया तो मैं क्या करूंगा? ठीक है तुम्हें पानी में फेंक के जान छुड़ा लेंगे, वैसे भी तुम्हारे नाम का मतलब यही है। तुम दोनों मियां बीवी बहुत ही फजूल मजाक करते हो। यार ये भी कोई बात हुई, इतना फजूल मजाक सहने से तो बेहतर है कि शार्क या वेल आकर हमें निकल ही ले। ठीक है अब बस, बहुत बातें हो गई हैं, थक गई। अल्लाह अल्लाह, इतने सालों बाद शोएब के बिना सोना पड़ेगा। ओहो इतने सालों बाद, आपके शौहर आपके सोने के बाद मेरे पास आ जाते हैं। सबको मजाक लग रही है, कसम से इतने अजीब अंदाज में सोते हैं, उन्हें गर्मी लगती है और वो यूं करके लेटे हुए होते हैं। लंगू ये हमारे खानदान की रिवायत है, अम्मी भी तो बाबा के सोने के बाद आयशा के पास भाग जाती हैं। ठीक कहा।
कमाल है। बाग में अजवाइन है, हम अजवाइन नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते अजवाइन, हम अजवाइन नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते हम अजवाइन नहीं खाते। यार परियान, तुम्हें ये नई नई आदतें पड़ रही हैं। पहले कभी हाथ तक नहीं लगाया तुमने और अब एक ही बार में पूरा ग्लास खत्म। अगर मैंने वो पिया तो खुशी में नहीं जलाल साहब, जाहिर है उसकी एक वजह है ना। अरे अरे क्या कर रही हो परियान? छोड़ो, संभालो अपने आप, हटो पीछे। ओके ओके, मैं खुद जा सकती हूँ। ओके, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अरे गिर ना जाना। मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, तुम जाओ और शहनाज को गले लगाओ। या खुदा, ये मसला भी हल नहीं होगा क्या कभी? किसने हल किया? कहाँ हुआ हल? तुम यहाँ बैठो, हम बात करते हैं, बैठो। ये किस मुश्किल में फंसा दिया मुझे। इस तरह ये हल नहीं होगा, मेरे कहने से पहले हल नहीं होगा। तुम क्या हो? पूरे कमरे में इनकी सांसों की बू फैली है, घर में भी और यहाँ भी, पूरी रात इन्हें झेलना पड़ता है। अब इतनी ऊंची आवाज में इंसान कैसे सो सकता है? अच्छा ठीक है मेरे भाई, क्या मसला? हो सकता है इनकी नाक में प्रॉब्लम हो, इसलिए ये मुंह खोल के सांस लेते हैं। इनकी प्रॉब्लम से तो हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं। बल्कि रुको, मैं इनका सर फेर देता हूँ, उससे खराटों की आवाज कम हो जाएगी। इस तरफ कर देता हूँ शिव भाई। नहीं करो आतिश। शिव भाई आप तो जाग रहे हैं। शिव भाई आप सुन रहे हैं? आतिश दूर हट जाओ। अरे शिव भाई वो ख्वाब देख रहे हैं शायद। अरे भाई उठ जाइए, ख्वाब सही नहीं है, उठ जाइए। आतिश ऐसा मत करो। क्या मतलब ऐसा मत करो, क्या कहना चाह रही है? ख्वाब में कुछ अजीब सा देख रहे होंगे। आतिश तुम एक शादीशुदा मर्द हो, ऐसा मत करो। आतिश हमारे साथ ऐसा मत करो। आतिश क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शिव भाई जागे, शिव भाई जाग जाग। हमें जागियो, जागियो भाई। खुदा की लानत हो तुम पर, बेशर्म बदकार आदमी हो तुम। खूबसूरती का हर एक इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसे किससे बचा रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? आखिर ऐसे क्या देख लिया आपने? हाँ मुझे माफ करना आतिश। लाज में भी शैतान का बसेरा है, हर तरफ बदरुओं का साया है। यहाँ जितनी जल्दी मुमकिन हो छुटकारा पालो यहाँ से, शैतान हर तरफ घूम रहा है। हाँ ठीक है, समझ गया शिव भाई, बिल्कुल सही कहा। कुछ कर लूंगा मैं, कोहल निकाल लूंगा। चले अब आप हमारे साथ चले, आइए हम ताजा हवा में चलते हैं, आपको सुकून मिलेगा। ड्रावना ख्वाब देखकर आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे। आ जाइए। दमी तुम एक काम करो, सो जाओ यहाँ पे आराम से, हम लोग तो वैसे बाहर जा रहे हैं। ठीक है आ जाओ। हाँ तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है दमीर, सोने से पहले अपने ऊपर कुछ पढ़ लेना। ठीक है भाई आप जाए, आप वापस आ रहे हैं? भाई आता हूँ, आता हूँ। हाँ थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी कूल है मेरी अम्मी, मेरी अम्मी जो है। जलाल इसे क्या हो गया है? कोई परेशानी की बात नहीं है, आप जाएं जाके सोच। एक मिनट रुकें, कोई किसी को सोने नहीं देगा जलाल। नहीं, आज तुम्हारी सारी सच्चाइयाँ खुलेंगी।
या खुल जाएंगी अम्मी, आज सब सामने आएगा। अरे अरे, इसके तो हवास ही सलामत नहीं है, संभालो इसको। मुझे भी नापाक कर दिया तुमने। उठो। कहाँ जा सकती हूँ मैं? ये जो बेटा है ना आपका, अम्मी, बहुत बुरा है ये। हाँ, असल में बहुत खराब आदमी। तो बस तगफिर अल्लाह। आपके लिए बेहतर है इसे आप भेज दें, मैं बता रही हूँ। जलाल, मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, मैं जा रही हूँ। एक मिनट रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही हैं? मुझे गले लगाए अम्मी, मेरी जान अम्मी। जलाल, हटाओ इसे। मेरी प्यारी अम्मी। जलाल, इसे दूर करो बेटा, दूर करो मुझसे। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं संभालता हूँ इसे, आप जाके आराम कर लें। सुबह मिलते हैं, शब्बक है। अम्मी जी, संभल के, संभल के बैठ जाओ। प्यारी अम्मी, संभालो ध्यान अपने आप को। क्या हो गया? जान से प्यारी अम्मी, दुनिया की सबसे प्यारी अम्मी। जलाल, हाँ, ऐसा हो जाता है, हर रिश्ते के भी उतार चढ़ाव होते हैं। तो शोएब भाई, यहाँ कैसा लग रहा है? फ्रेश एयर में थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है? यास्मीन से मोहब्बत करते हो? हाँ बिल्कुल करता हूँ मैं। क्या कोई और भी है? क्यों होगा भाई, आप क्यों पूछ रहे हो? मोहब्बत एक लंबा सफर है आतिश, जिंदगी भर साथ निभाना पड़ता है। ऐसा ही है शोएब भाई। वैसे आप और सुहेल आप आइडियल हैं हमारे लिए, यकीन करें। लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। क्यों, क्या तुम में ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? तो फिर क्यों डरते हो, बोलो। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी फिक्र हो रही है शोएब भाई। अब देखे ना, आप सो नहीं पा रहे और अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं, जिस तरह के लाशें वगैरह। मैं सोना नहीं चाहता आतिश, जब मैं सोता हूँ तो तुम एक शैतान आदमी बन जाते हो, एकदम गलीस और घटिया इंसान। अरे भाई, चुप कर जाओ। मुझे माफ करना आतिश, मैं अभी ख्वाब के जेर असर हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे शोएब भाई, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं ख्वाब वाले आतिश को मार डालूंगा। हाँ। और अगर ख्वाब में मैं तुम्हें मार डालूं तो मुझे माफ कर देना। तो आप छोड़ेंगे नहीं? वैसे एक बात कहूं, मैं नहीं जानता आपने ऐसा क्या देखा है कि आपकी हालत इस कदर बुरी हो गई, और आपकी हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। शोएब भाई, अरे देखो तो उन्हें यार, ये तो अपने अंदर ही एक हॉरर मूवी लग रहे हैं मुझे। दर हकीकत उस बेचारे को नींद आ रही है बहुत। शेर भाई, दुआ करता हूँ आप मुझे ख्वाब में देखें तो जान से आप मार डालें, अच्छा होगा, बेहतर है मैं यहीं पर लिटा देता हूँ।
बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, बिल्कुल यही होना चाहिए था। बहुत अच्छे, अब संभालते फिरो शोएब भाई को, तुम पागल गई का। क्या हुआ, तुम चौंक क्यों गई और इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? शोएब भाई को सी सिकनेस है ना? हाँ। अरे मैं कह रही थी कि हमें इस तरह जबरदस्ती उनको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ये क्या कर रहे हो तुम? है ना, ये हाल ही में जाना है। इसे कार्पे डियम कहा जाता है, जिसका मतलब है कि लम्हे को कैद कर लेना। ये स्टार्स हैं तुम। अगर किसी ने देख लिया तो? यहाँ हमें कौन देखेगा, सब सो रहे हैं। और वैसे भी तुम जानती हो कि हमें कभी मौका ही नहीं मिलता। कुछ देर तुम्हें देख लेने दो। जिंदगी कितनी अजीब है ना, हम उस हॉस्पिटल से देखो कहाँ तक आ गए। हाँ बिल्कुल, तुम जैसी लड़की जिसने उस हॉस्पिटल में रास्ता ब्लॉक किया। मैंने बिल्कुल रास्ता ब्लॉक नहीं किया था। वैसे तुम्हारे पास मेरे मुंह के लिए कोई और प्लान नहीं? जैसे? जैसे वो। क्या कह रहे हो? वही यास्मीन। ये क्या है, वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या? आतिश रुक, ये आतिश। आई शोएब भाई रुक गए, चलो चलो। क्या हो गया यार, जल्दी जल्दी उठो आतिश, वहाँ कोई है। आजा आजा आजा, जल्दी आओ। शोएब भाई अगर तुम यहाँ हो तो फिर वहाँ कौन है? तुम सबर करो, मैं देखता हूँ। अरे भाई रुक जाए, वहाँ पर कोई भी नहीं। ओके, वो कैसे, वो तो वहीं थे। शोएब भाई ठीक तो है ना आप? हाँ यार, मैं हर जगह लोगों को गले लगाते हुए देख रहा हूँ। शोएब भाई चले अंदर चलते हैं हम, चले आ जाए। क्या आप तो मुझे भी गले लगाओगे? अरे शोएब भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा, कुछ भी कहता चले जा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? चले बस उठे यहाँ से, हम अंदर चलते हैं अभी। देखिए आप सर्दी से वैसे भी कांप रहे हैं, बीमार हो जाएंगे। चले आ जाए, आ जाए, आ जाए। क्या कभी तुम मुझे यहाँ ले जाते हो फिर वहाँ ले जाते हो? अगर मेरी सुबह समंदर में हुई तो? हाँ वैसे सोच तो मैं भी यहीं रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। या अल्लाह खैर। मुझे यकीन है यहाँ कोई था। अरे भाई कोई भी नहीं, आगे देखिए, आगे आगे। इस तरफ आ जाए शोएब भाई। पूछो आयशा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारने के ख्वाब देख रहा था, लेकिन मुझे शोएब भाई का ख्याल रखना पड़ रहा है। खुद ही देखो सर मेरी हालत कैसी है। तो अब क्या तुम मेरे साथ रहने के ख्वाब भी देखने लगे हो? तो क्या तुम नहीं देखती हो? मैं तो इस वक्त बस अपने ख्वाब की ताबीर देख रही हूँ आतिश, जैसे मैं दुनिया की पुरसुकून शख्स हूँ। बिल्कुल नहीं, इस वक्त मुझसे ज्यादा पुरसुकून कोई और इंसान नहीं हो सकता। अब देखो ना समंदर की ये चमक और ये सितारे, लेकिन इस सबसे बेहतरीन जानती हो क्या है आयशा? इन सितारों से कहीं ज्यादा रोशन तुम हो आयशा। इन्हें देखने से पहले मुझे तुमसे नजरें हटाना होगी, और ये हो नहीं सकता। तुमने मुझे क्या बना दिया है आयशा? मुझे तो बस तुमसे मोहब्बत हुई है। सिर्फ तुम ही को होती तो अच्छा था, तुमने तो मुझे भी गिरफ्तार कर लिया है इसमें आयशा।
अब ये तौलिया बनेगा मेरा हथियार, पकड़ता हूँ अभी। रिपोर्ट्स की क्या जरूरत है? एक्चुअली ये सब कुछ बहुत आसान होता अगर वो साहब यहाँ होते। देर तो हो ही चुकी है, लेकिन खैर, चांस तो मैं जरूर लूंगी, वरना लीगल एक्शन का ऑप्शन तो है ही। ठीक है, मैसेज का इंतजार करूंगी। बाय। बताओ इन्हें तुम बेटा, इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह, कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। आतिश क्या हुआ? दुल्हा भाई ने कहीं कुछ कहा तो नहीं तुमसे? नहीं नहीं कुछ नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं सारी रात इनके साथ रहा, मगर कल रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा जो पहले देखा था। उन्होंने बार बार आतिश कह के उठ जाते थे, वो ख्वाब ही समझ रहे हैं उसको। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? लगता है ऐसे ही है, लेकिन कह रहे थे उन्हें हर जगह गले लगे हुए लोग नजर आ रहे हैं। अजीब सी बात है। हाय अल्लाह मियां। खैर हमें मोहतात रहने की जरूरत है और प्लान के मुताबिक चलेंगे, कल से झगड़ा शुरू। ठीक है हम ऐसे ही करेंगे आतिश, लेकिन प्लीज नाश्ता करते ही हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। आयशा तुम कह तो रही हो, लेकिन अभी तक यकीन नहीं हुआ मुझे। अगर हम लोग अब भी वापस ना गए ना तो बाबा हम लोगों को जान से मार देंगे आतिश, और हमें उनका गुस्सा भी तो ठंडा करना है ना। अरे हमारे मसले कम है क्या? अब ये भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ हमें ही देखना होगा, चलो चले। आयशा जानती हो मैंने कल रात एक ख्वाब देखा कि हम दोनों इस बोट पर अकेले हैं। और मैंने भी हमारे बारे में ख्वाब देखा। क्या कह रही हो? हाँ अच्छा चलो चले। गुड मॉर्निंग। अब कैसे हैं आप भाई? मैं कैसा हो सकता हूँ, बड़ी हिम्मत से यहाँ पर बैठा हूँ। यकीनन बचपन में भी कभी इतना नहीं हिला हूँगा। प्लीज मुझे घर वापस ले चलो। चलते हैं मेरी जान, चलते हैं। कैप्टन, क्या तुम अभी तक नहीं जागे? रेडियो का क्या हुआ, सही हुआ कि नहीं? किसी को बुलाओ, रेडियो सिग्नल का बताओ। अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं आ जाती हूँ, मेरी आवाज सिग्नल पकड़ लेती है। कुछ तो करो कैप्टन, वरना हम घर कैसे जाएंगे बताओ। गुड मॉर्निंग। तुमने देखा बच्चे अभी तक वापस नहीं आए, क्या अब तक समंदर में ही है? मुझे नहीं मालूम। वो उस आदमी के घर गए अगर। उफ जलाल अब शुरू मत हो जाना। मतलब क्या है तुम्हारा, वो पूरी रात घर से बाहर आए, अब इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है? क्या तुम्हारे बोलने से वो वापस आ जाएंगे? भाई की बात सुनी थी ना, वो सब बड़े हो चुके हैं। जलाल जल्दी नाना दादा बन जाओगे, उन्हें छोड़ दो अब। मेरा सर। जब तुम्हें आदत नहीं है तो ख्याल करना चाहिए था ना, सर में तो दर्द होगा। यार मुझे क्या मालूम, मैंने सोचा कि इससे कोई अपना गम भूल जाता होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ खड़े खड़े हंसो मत। रुको छोड़ो इसे, इधर आओ, इधर मैं दबा देता हूँ। आओ मेरे पास। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अपना हाथ अड़ाओ। हाँ ठीक है, जानता हूँ कल रात तुमने जो कुछ किया उसकी वजह टेंशन थी, और टेंशन की वजह तुम खुद हो। हाँ। चलो मैं बताता हूँ। याद है जिस दिन पुलिस आई थी, उस दिन क्या हुआ? उस दिन मिस कुलरेज ने अमीन को फोन किया और उन्होंने कहा कि उनका भाई साजिश कर रहा है, और कहा कि मोहल्ले में हर आने जाने वाले पर नजर रखे। तभी वो सामने से कटे हुए बालों वाली औरत आई। हाँ हाँ वो जमीला थी। हाँ और फिर ये औरत आई, इसने कहा कि उसे जमीला ने भेजा है, याद है ना तुम्हें? यानी शहनाज तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आती? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं उसकी तरफ गर्मजोशी से बढ़ा के जान सकूं माजरा क्या है।
यकीन करना चाहिए। परियान, वो हम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानती है। एक औरत जिससे मैं जानता नहीं, वो मुझे नाम से पुकार रही है। मुझे यकीन है वो औरत जरूर आतिश के बाप के लिए काम कर रही है। हमने मजाक समझा और उसे संजीदा नहीं लिया, लेकिन शुएब सही था, वो औरत एक जासूस है, जासूस। तो तुम कह रहे हो वो यहाँ आतिश के लिए आई है? लेकिन आतिश तो अपने घर चला गया है, और फिर जब आतिश नहीं तो वो शहनाज यहाँ रोज क्यों आती है, उसका क्या काम? यही तो, वो पहली बार यहाँ कब आई थी? जब आतिश गायब हो गया था और फिर सेल फोन लेने आई, और देख लेना अब दोबारा नहीं आएगी वो। क्या वाकई? मुझ पर भरोसा नहीं है, उसका काम खत्म हो गया, अब नहीं आएगी वो। सच में यास्मीन, तुम तो बहुत लकी हो यार, तुम्हारा शोहर तो अमीर होने के साथ साथ टैलेंटेड भी है। ये तो है। वल्ला अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो इस केक वेक के चक्कर में तो हरगिज ना पड़ती। यकीन जानो अपनी जिंदगी में खुश रहती और इंजॉय करती। वो कहते हैं ना, पैसा है तो सुकून है जिंदगी में। शर्म करो सुहेला, तुम क्या खुश नहीं हो यहाँ? ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था शोभी, असल में मैंने इनके लिए कहा, हम दोनों के लिए थोड़ी कहा। नहीं, शायद अभी तो मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन पैसे की बीमारी तो मुझ में है ना, क्योंकि हम अमीर नहीं है ना। खैर छोड़ो, चलो जल्द से जल्द घर चलें, यहाँ पर तो मैं अजीब चीजें देख रहा हूँ। कैसी अजीब चीजें? पता नहीं, लेकिन लोगों को गले लगते हुए देख रहा हूँ। भाई आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये सब आतिश का कसूर है। मतलब उसे पूछना चाहिए था कि हम में से किसी को कहीं सी सिकनेस तो नहीं है, किसी की तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगी, हम सब शिप में तो पैदा नहीं हुए। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए आतिश, किस किस्म के खुदगर्ज़ इंसान हो यार तुम। वाह वाह वाह, मैं तो सरप्राइज देना चाह रहा था, तुम्हें क्या लगा शुएब भाई से को बोगस रखता हूं मैं? बस सही है, अगली बार मैं कोई सरप्राइज नहीं दूंगा। ऐसा तो मत कहो, बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ आए। वैसे ये मुनासिब यॉट नहीं है, मतलब हम इस यॉट में आए और समंदर में फंस गए। दूल्हा भाई की हालत तो देखो। तुम लोगों को हो क्या गया है, समझ नहीं आ रहा? हाँ, इतना एंजॉय करने के बाद अब खामखा जरा सी बात पर झगड़ा शुरू कर दिया है तुम लोगों ने, होश में तो हो तुम लोग? और वैसे भी शोभी ने तुम लोगों को गले लगाते हुए इसलिए देखा कि वो मुझे मिस कर रहा होगा, है ना शोभी? ठीक कहा ना? नहीं, मुझे नहीं पता। खैर छोड़ो, वापिस चलते हैं, अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई है। हाँ क्यों नहीं, चलो वापस चलते हैं। कैप्टन, 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 बताओगे खराबी का क्या हुआ, अब तक ठीक नहीं हुई क्या? हाँ जी, सब कुछ ठीक हो चुका। ठीक है ना, फिर तो वापस चले। हाँ, सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रहना ना। हाँ, खुदा खैर करे। खैर होगी इंशाल्लाह, तुम फिक्र नहीं करो। ये आवाज सुनी, कितनी शानदार है ना, ये हमारे वापस जाने की आवाज है। अरे ये क्या समझेंगे, छोड़े ना। जलाल ये बताओ कि वो नोट किसने लिखा था? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। सुबह बखैर अम्मी जान, आइए। आती हूँ आती हूँ, पहले अपने महफूज होने का तो यकीन कर लूं। तुम्हें होश आ गया बहू? अम्मी प्लीज मुझे गुजरी हुई रात मत याद दिलाएं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम जैसी पुख्ता उम्र की औरतें जब गलती करती हैं तो शर्मिंदा नहीं होती, लेकिन जब याद दिलाओ तो बड़ी शर्मिंदा होती। अम्मी मैं इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ, शर्मिंदा मैं अपनी हरकतों पर हूँ। कितना अच्छा हुआ अगर तुम अपनी सास के खिलाफ बोलने पर भी शर्मिंदगी महसूस करो। परियान अम्मी, अब छोड़ भी दें, ये कभी कभी पागल हो जाती है और कभी कभी हो जाता है। जो भी है, मैं जा रही हूँ नाश्ता लगाने, दिल चाहे तो आगे कर लेना। ठीक है, हम आ रहे हैं। मैं सब काम मैं ही करूँ बस। अभी तक कोई गुस्सा नहीं किया इन्होंने, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ दरवाजे पर हैं आपा। क्या बात है, बाबा को उस्ताद की तरह दरवाजे पे इंतजार नहीं करना चाहिए था? करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इंशाल्लाह सब खैर ही होगी। ये तूफान से पहले की खामोशी है, देखते हैं क्या होता है। सही कहा। एक मिनट रुको यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, मुझे बात करने दो। रुको आतिश, ये मुझ पर छोड़ दो, अगर जानी नुकसान उठाना पड़ा तो वो तुम लोग बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, लेकिन मेरे साथ साथ जरूर आना। अच्छा ठीक है, मैं शामिल नहीं हूँगा, मैं दुकान खोलता हूँ। खुद को बचा लो तुम शोभी, मेरे पीछे आओ।
गुड मॉर्निंग बाबा जान। गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ। सुबह बखैर। वो बाबा, मैं जानती हूँ कि आप नाराज थे, लेकिन हम सब साथ थे और इसी वजह से दमी की बर्थडे का प्लान बन गया था। और पता है हम तो तुमने सोचा साहिल पर मना ले और फिर वहाँ से समंदर के सफर पे भी गए। वाह भाई वाह, ये नया तरीका निकाला इन लोगों ने। जब तुम समंदर के बीच में थे तो बोट खराब हो गई थी। इन्हें तो सब कुछ पता है। क्या हमारे दरमियान कोई जासूस है आयशा? भाई मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, अगर बताया होता तो आपको भी बता देती ना। सुहेला, तुम्हें तो थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वो लोग तो जवान हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? हाँ बाबा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बूढ़ी हूँ? अच्छा आप छोड़ो, मेरा सर पहले ही फट रहा है। शुएब कहाँ है? आखिरी बार जब देखा तो वो जमीन को चूम रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो दुकान खोल रहे हैं। अम्मी आ जाओ, नाश्ता कर लो सब लोग, फिर सब काम पर लग जाओ। इस बारे में मैं किसी और वक्त आराम से बात करूंगा। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ अभी। फौरन जाओ। मैं भी बदल लूँ, अजीब सा लग रहा है मुझे, और वैसे भी मुझे दुकान का सामान लेने जाना है। पहले इन्हें पुरसकून कर लूँ, फिर बाद में कपड़े बदलती हूँ। बैठ जाऊँ मैं बाबा? चाय है ना? जलाल अंकल, खुदा के लिए इनसे नाराज मत हो, यानी ये यॉट वाला आइडिया सिर्फ मेरा था और किसी का नहीं। दमीर की बर्थडे पर मैं उसे सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन बैड लक, कसूर इनका नहीं है, यानी सरासर मैं कसूरवार हूँ। देखा, मैं महीनों से कह रही हूँ लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो नामुराद खुद एतराफ कर रहा है कि वही कसूरवार है। अम्मी, नामुराद बोलने की क्या जरूरत है? वो जो है वही कहा है बहू। बाद में कह लीजिएगा, अब यही हूँ। हाय, कितनी अजीब सी लग रही हूँ मैं यार, थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, ठीक लगेगा। इधर आओ तुम। हार्ड डिस्क नहीं है? हाँ? कहाँ गई वो हार्ड डिस्क? नहीं, गाड़ी में तो नहीं पड़ी वो। हाँ जाकर देखती हूँ। मेरी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? मैं घर वालों को सदमा कैसे दूं? सबको पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ बेटा? सकता हो गया। सकता हो गया? उन्हें कहीं ये तो मालूम नहीं होगा कि वो सब ख्वाब नहीं था। ये जगह मुझे अट्रैक्ट करती है। वो कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।